हेलो गाइस, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने लेक्चर 6 किया था, आज हम लेक्चर 7 करेंगे। लेक्चर 6 में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे प्रैक्टिकल्स के, आज भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे लेक्चर 7 में भी। मैंने आपको लेक्चर 6 के अंदर मैंने आपको 3, 4, 5 और 6 कराए थे आपको, और बाकी मैंने आपको 7 आपको बुक दिया था मैंने। आज हम लेक्चर 8 के अंदर 8, 9 और 10 करने वाले हैं क्वेश्चन, और 11, 12 भी देख लेंगे क्वेश्चन कैसे करना है हमें। तो 8, 9, 10 स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में देखो क्या कहता है 8 के अंदर, पढ़ो क्वेश्चन, आप रीड करो। तो क्वेश्चन में कहता है ये, ए कंपनी हैड करंट एसेट ऑफ रुपीज 4,50,000 एंड करंट लायबिलिटी ऑफ रुपीज 2 लाख। आफ्टरवर्ड इट परचेज गुड्स फॉर रुपीज 30,000 ऑन क्रेडिट, कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर द परचेज। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें करंट एसेट भी गिवन है, करंट लायबिलिटीज भी गिवन है, और हमें ना ट्रांजेक्शन गिवन है कि आफ्टरवर्ड इट परचेज गुड्स फॉर रुपीज 30,000 ऑन क्रेडिट। उसने ये बोला कि हमने गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे। अब जब हमने गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए हैं, उसके बाद हमारे रेशियो पे क्या इम्पैक्ट आएगा हमें वो बताना है। सॉरी इम्पैक्ट नहीं, रेशियो क्या निकल के आएगा हमें वो बताना है। इम्पैक्ट हम देख लेंगे बाद में कैसे निकालना है हमें। तो कह रहा है कि आप परचेज के बाद करंट रेशियो क्या हो गया वो निकालो। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उसको स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे हम, देखो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले एक बार वो लिख लेते हैं हम। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है करंट एसेट, हमें क्वेश्चन में गिवन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 मैंने यहाँ लिख दिया। तो हमें करंट एसेट गिवन है क्वेश्चन में 4,50,000 की हमें करंट एसेट गिवन है, और हमें क्या गिवन है करंट लायबिलिटीज गिवन है कितने की 2 लाख की हमें करंट लायबिलिटीज गिवन है। तो मैंने यहाँ पर लिखा करंट लायबिलिटीज हमें गिवन है 2 लाख की हमें करंट लायबिलिटीज गिवन है। अच्छा जी आगे बढ़ो, आगे क्या कहते हैं, आगे कहता है कि आपने परचेज की है गुड्स, कितने के परचेज किए 30,000 के गुड्स आपने परचेज किए ऑन क्रेडिट। तो जरा ये भी लिख लेते हैं कि गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर, कितने के परचेज किए हैं रुपीज 30,000 के हमने परचेज किए हैं। अब बताना है कि जो हमने गुड्स परचेज किए हैं 30,000 के, यानी कि जो हमने गुड्स परचेज किए हैं 30,000 के, इस गुड्स से परचेज करने के बाद हमारी नई रेशियो क्या निकल के आने वाली है। एक काम करते हैं हम, पहले ओल्ड रेशियो देखते हैं कि क्या रेशियो हमारी निकल के आएगी। तो देखो राम, करंट रेशियो में निकालनी है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है क्या, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, अब करंट एसेट में क्वेश्चन में कितनी गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है 4,50,000 की हमें करंट रेशियो गिवन है, और हमें करंट लायबिलिटी कितनी गिवन है 2 लाख की हमें करंट लायबिलिटीज गिवन है। अब ध्यान से देखना, जो हमने 30,000 के हमने गुड्स परचेज किए हैं, यानी कि गुड्स यानी कि स्टॉक, स्टॉक मीन्स इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री हमारी क्या होती है, करंट एसेट होती है। तो जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो बिजनेस में और स्टॉक आएगा, नया स्टॉक आएगा। तो जब नया स्टॉक आएगा तो बताओ करंट एसेट बढ़ेगी या कम होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, बढ़ेगी। तो बढ़ेगी क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे, कितना 30,000 क्या करेंगे प्लस करेंगे, ओके। और देखो हमने गुड्स किस पे परचेज किए, हमने गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे। अब आपने गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए हैं, तो इसके लिए बताओ अब आप आपको पैसे पे करने हैं, यानी कि आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, और जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं उधार पे उसे क्या कहते हैं क्रेडिटर। तो क्रेडिट पे क्या होते हैं आपकी करंट लायबिलिटी होती है। तो क्या करोगे आप, करंट लायबिलिटी में क्या करोगे, ऐड करोगे 30,000 की। अब बताओ आपकी नई करंट, आपकी न्यू करंट एसेट कितनी हो गई आपकी। देखो पहले हमारे पास थी 450 प्लस 30,000, कितना हो गया आपके पास 4,80,000 आपका हो गया, और आपके पास करंट लायबिलिटी कितनी हो गई आपकी 2 लाख की पहले थी और 30 की अब हो गई आपकी। तो करंट लायबिलिटी आपकी हो गई 2,30,000 की, आपकी क्या हो गई करंट लायबिलिटी हो गई। अब इनको आप कैंसिल कर दो तो आपका आंसर कितना निकल के आ गया 48/23। इसको आप डिवाइड करोगे 48 डिवाइडेड बाय 23 आपका आंसर निकल के आएगा 2.086:1 आपकी रेशियो निकल के आ रही है। आप चाहो तो उसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हो 2.9:1 भी आप लिख सकते हो राउंड ऑफ करके चाहो। ये भी आंसर ठीक है और ये भी आंसर आपका ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं कि आंसर का क्या निकल के आ रहा है। आंसर देखो 2.09:1 आपका आंसर निकल के आ रहा है कि आंसर हमारा क्या कर रहा है, परफेक्टली आंसर हमारा मैच कर रहा है बुक से हमारा। हमने राउंड ऑफ कर लिया आंसर, हमने क्या किया, हमने राउंड ऑफ किया हमने अपनी फिगर्स को, इससे हमारा आंसर मैच कर रहा है। अब देखो क्वेश्चन में मैंने जब इस क्वेश्चन में स्टार्ट में रीड किया था, मैंने इंपैक्ट कर रहा, मैंने इंपैक्ट पढ़ लिया था कि रेशियो इंप्रूव होगी या डिक्रीज होगी, वो मैंने कर लिया था, इंटरप्रेट कर लिया था। एक बार उसको भी देख लेते हैं कि कैसे करेंगे अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो। तो देखो अगर एग्जाम में पूछा था कि आपसे कि रेशियो पे क्या इंपैक्ट आएगा, कि रेशियो इंप्रूव हुई है, डिक्रीज हुई है, रिड्यूस हुई है या नो चेंज आया है, तो देखो ये बात देख लेते हैं। इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसलिए आपको निकालनी पड़ेगी करंट रेशियो निकालनी पड़ेगी। कौन सी निकालनी पड़ेगी आपको, आपको ओल्ड करंट रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो ओल्ड करंट रेशियो कैसे निकालोगे आप, CA अपॉन CL मींस करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। 4,50,000 आपके पास ओल्ड करंट एसेट गिवन थी, और न्यू कितनी गिवन आपके पास करंट लायबिलिटी 2 लाख की आपके पास लायबिलिटीज गिवन थी। तो जब आप ये डिवाइड करोगे
4 0 4 0 में कैंसिल कर दिए तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 20। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया 2.25। और आपकी न्यू करंट रेशियो कितनी आ रही थी बताओ जरा मुझे, जो आपने अभी कैलकुलेट की है, ये रेशियो आपकी निकल के आई है 0.209:1। ये आपकी ओल्ड रेशियो है और ये आपकी न्यू रेशियो है। ध्यान से देखना चीज को, देखो आपकी ओल्ड निकल के आई है 2.25:1 और आपकी न्यू रेशियो निकल के आई है 2.09:1। अब मुझे बताओ आपकी रेशियो इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, देखो देखो देखिए बताओ जरा रेशियो इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। देखो पहले था 0.25, अब हो चुका 0.09, तो ऑब्वियसली रेशियो क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, यानी कि आपकी रेशियो क्या हो गई डिक्रीज हो गई। डिक्रीज के लिए एक और वर्ड है हमारे पास रिड्यूस, हमारी रेशियो क्या हो गई है डिक्रीज या रिड्यूस हमारी रेशियो हो चुकी है। वाली चीज हमसे क्वेश्चन में पूछी थी नहीं, हमने फिर भी एक्स्ट्रा निकाल के उसको आंसर दे दिया है। हमसे क्वेश्चन में उसने नई रेशियो निकालने के लिए हमने रेशियो निकाल दी है, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया कि ये हमारी नई रेशियो होगी। प्रेजेंटेशन देख लो आप, इसको ऐसे आप प्रेजेंट करोगे अपने एग्जाम में, बस ये याद रखना कि आप ये CA और CN मत लिखना, आप पूरा लिखना करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा वहां पर, तो आपका आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब जरा क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। देखो 9 में क्या कहता है, 9 में कहता है कि करंट लायबिलिटी फॉर कंपनी वर रुपीज 1,75,000 और कहता है कि करंट रेशियो कंपनी की इतनी है और बोला कि कंपनी ने पेड किए 30,000 टू क्रेडिटर्स, कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर पेमेंट। को सेम ही क्वेश्चन है, बस है कि इस क्वेश्चन में ना हमें करंट एसेट गिवन नहीं है, जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें हमें करंट एसेट गिवन थी, करंट लायबिलिटी गिवन थी हमें, हमने क्या निकाला हमने करंट रेशियो निकाली है ना, वैसे करंट रेशियो की कोई जरूरत थी नहीं हमें फिलहाल तो है ना, और हमने क्या किया हमने एक ट्रांजेक्शन गिवन थी और हमने ट्रांजेक्शन के बाद हमने नई रेशियो निकाली। बट इस क्वेश्चन में हमें करंट लायबिलिटी गिवन है और हमें करंट रेशियो गिवन है, तो हम करंट एसेट निकाल लेंगे अपनी, और आगे उसने बोला है कि उसने 30,000 पे किए हैं क्रेडिटर्स को, तो ये हमारी ट्रांजेक्शन हो गई। अब इसके बाद से हम कहते हैं इसके इंपैक्ट से हम नए फिगर्स निकाल लेंगे और नई रेशियो हमारे पास आ जाएगी। तो देखो ट्राई करेंगे क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, तो देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है करंट लायबिलिटी, हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी गिवन है चेक कर लेते हैं, 1,75,000 की हमें गिवन है करंट लायबिलिटी, तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एक यहाँ पर 1,75,000 की मेरे पास गिवन है करंट लायबिलिटी और मुझे क्वेश्चन में गिवन है करंट रेशियो कितनी गिवन है, मैं वो चेक कर लेता हूँ बस जरा, मुझे करंट रेशियो गिवन है 2:1, तो मैंने यहाँ लिखा करंट रेशियो मुझे गिवन है 2:1। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, करंट रेशियो का फॉर्मुला होता है आपका करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, तो रेशियो तो कितनी गिवन है 2:1 गिवन आपके पास, तो करंट एसेट्स आप निकाल दोगे, करंट लायबिलिटी कितनी गिवन आपके पास 1,75,000 की आपके पास गिवन है करंट लायबिलिटी इक्वल टू 2:1 आ गया, तो करंट एसेट हो जाएंगी आपकी 2 × 1,75,000, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा करंट एसेट्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ये 3,50,000 आपका ये आंसर हो जाएगा करंट एसेट का, ठीक है, ये आपका निकल के आ गया करंट एसेट निकल के आ गया आपकी निकल के आ गई। अब क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन क्या है वो भी पढ़ लेते हैं हम, तो क्वेश्चन में गिवन है कि आपने 30,000 पे किए क्रेडिटर्स को, ठीक है, तो यहाँ भी देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो ये देखो आपने 30 पे किए क्रेडिटर्स को, नया पेज निकाल लेता हूँ मैं, बना लेता हूँ मार्जिन से, तो देखो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी ये देखते हैं जरा, तो हमें करंट एसेट हमने कितनी निकाली है, हमने निकाली है करंट एसेट्स 3,50,000 की हमने निकाली है करंट एसेट्स, और हमें लायबिलिटी कितनी हमें गिवन थी क्वेश्चन में 1,75,000 की हमें करंट लायबिलिटी गिवन थी, मैंने भी लिख लिया। अब देखो क्वेश्चन में गिवन है कि मैंने 30,000 पे किए हैं क्रेडिटर्स को, तो जब मैं क्रेडिटर्स को पेमेंट करूंगा, अब मुझे बताओ मेरी जो लायबिलिटी कम होगी या इंक्रीज होगी, बताओ डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी मेरी लायबिलिटी, बताओ भाई मैंने 30,000 पे किए हैं तो लायबिलिटी मेरी क्या होगी डिक्रीज होगी, तो मैं क्या करूंगा या माइनस करूंगा, तो मैंने माइनस कर दिया 30,000। अच्छा जब मैं पे करूंगा तो कैश पे करूंगा, जब मैं कैश से पे कर रहा हूं उनको तो मेरा कैश भी तो कम होगा, और कैश क्या होती है करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स मेरी क्या हो जाएंगी कम हो जाएंगी, तो इस हिसाब से जो मेरी न्यू फिगर्स निकल के आ जाएंगी करंट एसेट हो जाएगी मेरे पास 3,20,000 की, और मेरे पास करंट लायबिलिटी हो जाएगी न्यू वाली फिगर्स 1,45,000 की, तो मेरी करंट रेशियो क्या निकलेगी, करंट रेशियो मेरी निकलेगी 3,20,000 डिवाइडेड बाय 1,45,000, तो उसका आंसर आ जाएगा आपका 320 डिवाइडेड बाय 1,145,000, तो आपका आंसर आ गया कितना 2.20 आपकी क्या हो जाएगी करंट रेशियो हो जाएगी, ये आपका आंसर निकल के आ गया। एक चीज याद रखना इनके ब्रैकेट में न्यू जरूर लिखना, ये आपकी न्यू फिगर्स हैं आपकी, और ये आपकी जो लेफ्ट साइड में गिवन है ये आपकी ओल्ड फिगर्स है, ये आपकी ओल्ड है और ये आपकी न्यू फिगर है, लिखना जरूर जरूर भूलना मत इस चीज को, ये आपका आंसर निकल के आ गया। वेरीफाई कर लेते हैं बुक से, बुक में भी आंसर गिवन है 0.2.21.1, और अपना आंसर चेक करते हैं हमारा आंसर कितना आ रहा था, हमारा आंसर आ रहा था 2.20:1,
0.01 से कोई फर्क पड़ता नहीं है, आंसर हमारा मैच कर रहा है बुक से एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द रेशियो ऑफ करंट सॉरी द रेशियो ऑफ करंट एसेट्स इज 3 लाख टू करंट लाइबिलिटी 2 लाख इज 1.5:1। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द रेशियो ऑफ करंट एसेट्स टू करंट लाइबिलिटी, ये बेसिकली करंट रेशियो की बात कर रहा है। कह रहा है करंट रेशियो क्वेश्चन में गिवन आपके पास 1.5:1 गिवन है आपके पास क्वेश्चन में 1.5:1, और क्वेश्चन में आपको करंट एसेट भी गिवन है और करंट लाइबिलिटीज भी गिवन है। अब क्वेश्चन में कहता है द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग अ करंट रेशियो ऑफ 2:1। अब अकाउंटेंट ये चाहता है कि जो उसकी रेशियो है वो 1.5:1 से लेकर वो 2:1 हो जाए, मीन उसकी रेशियो बढ़ जाए। तो आगे लिखा है कैसे बढ़ेगी रेशियो, बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ द करंट लाइबिलिटी, मीन वो करंट लाइबिलिटी की पेमेंट करना चाहता है कि करंट लाइबिलिटी की पेमेंट कर दे, वो पेमेंट से उसकी रेशियो इंक्रीज हो जाए। तो बाय ठीक है, आगे कहता है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ करंट लाइबिलिटी दैट शुड बी पेड सो दैट करंट रेशियो एट द लेवल ऑफ 2:1 बी मेंटेन। अब देखो उसने क्या बोला, उसने ये बोला है कि कंपनी की आपके पास ओल्ड जो है, आपके पास जो ओल्ड रेशियो गिवन है, करंट रेशियो गिवन है, वो है 1.5:1 गिवन है। अब जो अकाउंटेंट है वो चाहता है कि कंपनी की रेशियो 2:1 हो जाए, मींस रेशियो इंक्रीज हो जाए। अब रेशियो इंक्रीज कैसे होगी, वो अपनी करंट लाइबिलिटी की पेमेंट करेगा, मींस अपनी करंट लाइबिलिटी को पे करेगा। तो आपको ये निकालना है कि वो कितनी करंट लाइबिलिटी की पेमेंट करे जिससे उसकी रेशियो 1.5 से लेकर वो 2 हो जाए, मींस 1.5:1 से रेशियो 2:1 हो जाए, ये हमें निकालना है। तो देखो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया, 10 हो गया क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो अब आपको अमाउंट पता नहीं कि कितना वो पे करेगा, तो यहाँ उसको x मान लो, लेट x बी द अमाउंट पेड बाय द अकाउंटेंट टू इंक्रीज द करंट एसेट्स करंट रेशियो। अब ये क्लियर है आपको, आपने x क्या किया, आपने x अमाउंट ले लिया जो अकाउंटेंट पे कर रहा है रेशियो को इंक्रीज करने के लिए, ये चीज क्लियर है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी करंट एसेट हमें क्वेश्चन में गिवन है, करंट लाइबिलिटी क्वेश्चन में हमें गिवन है। देखो करंट एसेट हमें क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख और लाइबिलिटी गिवन है हमारे पास 2 लाख। तो 3 लाख की मेरे पास गिवन है करंट एसेट्स और 2 लाख की गिवन है मेरे पास करंट लाइबिलिटी। तो ये क्वेश्चन में मुझे गिवन था, ये क्वेश्चन में क्या है, मुझे क्वेश्चन में गिवन है और ये भी क्वेश्चन में मुझे गिवन है। अब देखो जब अकाउंटेंट लाइबिलिटी पे करेगा, सेम पहले वाले क्वेश्चन से क्वेश्चन मैच कर रहा है वाला, जब अकाउंटेंट लाइबिलिटी पे करेगा तो जो नई लाइबिलिटी होगी, मींस जो आपकी न्यू फिगर्स होंगी, जो आपकी न्यू करंट एसेट्स होंगी और जो आपकी न्यू करंट लाइबिलिटी होंगी, अब बताओ वो इंक्रीज होंगी डिक्रीज होंगी, ऑब्वियसली डिक्रीज होगी। तो आपकी जो नई करंट लाइबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, 2 लाख माइनस एक्स, क्योंकि वो इतना अमाउंट से पे कर दिया। और जो आपकी न्यू करंट एसेट कितनी हो जाएंगी आपकी, हो जाएंगी आपकी 3 लाख माइनस एक्स, ये चीज क्लियर है। अब बताओ कि न्यू करंट रेशियो कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 3 लाख माइनस एक्स 2 लाख माइनस एक्स, ये चीज क्लियर है। अब क्वेश्चन में आपको न्यू करंट रेशियो गिवन थी, बताओ जरा मुझे, बिल्कुल गिवन थी, क्योंकि मैंने कितनी चाहता था कि रेशियो कितनी हो जाए उसकी, रेशियो हो जाए उसकी 2:1 हो जाए, यानी कि रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो यानी कि मैं यहां लिख दूंगा 2/1 इज इक्वल टू 3 लाख माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 लाख माइनस एक्स, ये चीज क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2/1 इज इक्वल टू 3 लाख माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 लाख माइनस एक्स। तो देखो ये नीचे वाला से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2 into 2 लाख माइनस एक्स और ये हो जाएगा 3 लाख माइनस एक्स और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 4 लाख माइनस 2x इज इक्वल टू 3 लाख माइनस एक्स हो जाएगा आपका। अब देखो x वाले एक तरफ कर लो और जो आपके नंबर है जिसमें x नहीं है उनको एक तरफ कर लो, तो यहां देखो ये हो जाएगा आपका आंसर 4 लाख माइनस 3 लाख इक्वल टू माइनस एक्स और वहां देखिए हो जाएगा ये प्लस 2x। अब देखो माइनस एक्स प्लस 2x, आपके पास 2x है, 2x में से आपने 1x निकाल दिया, कितने x बचेंगे आपके पास, आपके पास बचेंगे 1x, यानी कि 1x बचेगा आपके पास, 4 लाख आपके पास यहाँ पर है, उसमें से आपने 3 लाख निकाल दिए, बचेगा आपके पास 1 लाख, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 लाख आ गई, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, देयरफॉर 1 लाख इज द अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज दैट should be
पेड बाय द अकाउंटेंट अकाउंटेंट टू इंक्रीज द रेशियो इंक्रीज द करंट रेशियो एट 2:1. ये आपका आंसर हो गया परफेक्ट. मीन्स 1,00,000 आपका आंसर होगा करंट लाइबिलिटी का, जो कि अकाउंटेंट पे करेगा ताकि उसकी रेशियो क्या हो जाए 2:1 हो जाए. क्या हो जाए उसकी रेशियो 2:1 हो जाए. देखो 1,00,000 अमाउंट हो गया ताकि रेशियो क्या हो जाए 2:1 हो जाए. आंसर चेक कर लेते हैं आंसर कितना है. आंसर देखो 1,00,000 गिवन आंसर हमारे पास भी. देखो 1,00,000 हमारा आंसर मैच कर रहा है ताकि कहते हैं रेशियो कितनी हो जाए 2:1 हो जाए. इसी क्लियर है. अब आगे क्वेश्चन देखो 11 क्वेश्चन क्या कहता है. कहता है रेशियो ऑफ करंट एसेट आपकी करंट गिवन है करंट लाइबिलिटी भी गिवन है और कहता था फर्म वांट टू मेंटेन द करंट रेशियो 2:1 मतलब फर्म चाहती है कि करंट रेशियो कितनी हो जाए 2:1 हो जाए और बाय परचेसिंग गुड्स ऑन क्रेडिट. देखो पहले वाले में क्या था पहले वाले में ये था कि कहते वो लाइबिलिटी पे करना चाहते थे. यहाँ पर क्या बोला है यहाँ बोला है कि वो गुड्स परचेस करेंगे उससे रेशियो बढ़ाएंगे अपनी और आपसे बोला कि अमाउंट निकालो गुड्स का. पहले वाले में था कि आप अमाउंट निकालो जितनी लाइबिलिटी को पे करनी है. यहाँ बोला है कि आप अमाउंट निकालो जितना आपको गुड्स परचेस करना है. सेविंग क्वेश्चन है कर लोगे एक बार डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ कि कैसे आपको करना है. तो यहाँ देखो सेम चीज क्या करोगे आप ये देखो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी. क्वेश्चन है मैं 11 के लिए डिस्कस कर रहा हूँ हिंट दे रहा हूँ आपको मैं. तो 2:1 रेशियो की बात कर रहा है तो आपके पास कुछ ऑलरेडी फिगर्स गिवन होंगी करंट एसेट की कितनी गिवन है चेक करो 875 और 350. तो यहाँ लिखो 875 और 350. अब देखो गुड्स परचेस कर रहे हैं वो जब गुड्स परचेस करेंगे तो गुड्स बढ़ जाएंगे तो ऐड करोगे गुड्स के अंदर और आप क्योंकि क्रेडिट पे लिए तो आपके कहते हैं जो क्रेडिट पे अगर आप गुड्स लोगे तो देखो क्रेडिट पे लिखाना है यहाँ पर ऑन क्रेडिट. जब आप गुड्स क्रेडिट पे लोगे तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी तो आपने लाइबिलिटी में भी ऐड कर दिया. अब सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल दोगे आप आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है वो आपका क्या होगा आपका आंसर होगा. ये चीज क्लियर है. अब जरा क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और 12th में लिखा है अ फर्म हैड करंट एसेट्स ऑफ ₹5,00,000 इट पेड करंट लाइबिलिटी ऑफ ₹1,00,000 एंड द करंट रेशियो बिकेम 2:1 डिटरमाइन द करंट लाइबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर द पेमेंट ऑफ आफ्टर द पेमेंट वाज मेड. ये क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है कर लोगे आप. देखो करंट एसेट के पास गिवन है करंट लाइबिलिटी के पास गिवन है डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ में. क्वेश्चन नंबर 12 को मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं. क्वेश्चन में करंट एसेट गिवन है मेरे पास कितनी है गिवन है मेरे पास 5,00,000 की करंट एसेट्स है और 1,00,000 की लाइबिलिटी है. ठीक है जी 5,00,000 की मेरे पास करंट एसेट्स है और मेरे पास 1,00,000 की मेरे पास करंट लाइबिलिटी है. तो करंट रेशियो मेरे पास निकल के आ जाएगी कितनी आगे बताओ 5,00,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 तो रेशियो आ गई 5:1 मेरे पास रेशियो निकल के आ गई. अब वर्किंग कैपिटल निकालनी है मुझे तो ये आ जाएगी मेरे पास 5,00,000 माइनस 1,00,000 तो आंसर कितना आ गया 4,00,000. याद करो फॉर्मूला क्या होता है वर्किंग कैपिटल का करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी. तो मैंने वही फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल दिया तो ये आ गया बिफोर एडजस्टमेंट निकल के आ गया आंसर मेरा बिफोर एडजस्टमेंट निकल के आ गया. अब हमें क्या निकालना है हमें निकालना है आफ्टर एडजस्टमेंट क्या होगा. देखो दो पूछा ना उसने बिफोर पेमेंट और आफ्टर पेमेंट यानी कि बिफोर एडजस्टमेंट और आफ्टर एडजस्टमेंट उसने पूछा है तो मैंने बिफोर वाला मैंने निकाल दिया. अब आफ्टर वाला निकाल दोगे क्या बोला है उसने कि उसने लाइबिलिटी पे किया पेड द लाइबिलिटी ऑफ ₹1,00,000 एंड द करंट रेशियो बिकेम सॉरी ये क्वेश्चन मैंने गलत इंटरप्रेट कर लिया. देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है अब फर्म हैड करंट एसेट्स कितनी है 5,00,000 की करंट एसेट्स है और उसने पे किया करंट लाइबिलिटी 1,00,000 की और कहता है कि करंट रेशियो आपके पास बिकेम इतनी हो गई है. अच्छा देखो ये क्वेश्चन जो है ना मैंने ये पेड वर्ड पढ़ा नहीं मैंने तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या था आपका अलग हो गया. अब देखो ये क्वेश्चन आप ट्रिकी बन गया क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको कैसे करोगे आप इसको काट दो आप ये सोल्यूशन ठीक नहीं है. ठीक है यहाँ देखो अगर ये ठीक इसलिए नहीं क्योंकि हमें क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटी गिवन नहीं है मतलब की हमें क्वेश्चन में गिवन है कि पे हमने इतना किया है तो इसको काट दो. ठीक है क्वेश्चन बच्चों अच्छे आराम से अच्छे से पढ़ो ताकि आप गलती ना करो क्वेश्चन के अंदर पढ़ते वक्त. तो इसको मैं एक बार आप कर देता हूँ तो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को हम जरा ये मैंने रब कर लिया मैंने. अब देखो क्वेश्चन में कहता है आपके पास ये कि क्वेश्चन में आपके पास गिवन है करंट लाइबिलिटी करंट एसेट गिवन है 5,00,000 की. तो ठीक है इसको लिख लो जरा कि करंट एसेट क्वेश्चन में गिवन है मुझे 5,00,000 की मेरे पास गिवन है करंट एसेट गिवन है. अब क्वेश्चन में आगे कहता है ये कि आपने लाइबिलिटी पे की है 1,00,000 की. तो ठीक है इसको भी लिख लो जरा कि जो आपने करंट यहाँ करंट लाइबिलिटी जो आपने पे की है देखने का रूल है ना कि आपने पे की है 1,00,000 की आपने पे करी है. ये चीज क्लियर है. अब क्वेश्चन में आगे कहता है कि लाइबिलिटी पे करने के बाद आपकी रेशियो हो गई कितनी 2:1 यानी कि जो आपकी न्यू रेशियो है न्यू करंट रेशियो जो आपकी है वो गई 2:1. अब कहता है आपसे निकालने के लिए कि आप ओल्ड करंट रेशियो निकालो ओल्ड वर्किंग कैपिटल निकालो आप
क्वेश्चन में ये बोला है आपसे, और क्या बोला है निकालने के लिए आपसे, कहता है कि डिटरमाइन द करंट लायबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल बिफोर, यानी कि ओल्ड करंट लायबिलिटी निकालो और ओल्ड आप वर्किंग कैपिटल निकालो। तो उसमें लिख लेते हैं कि हमसे कहता है ओल्ड करंट लायबिलिटी कहते हैं निकालने के लिए, हमसे ओल्ड करंट लायबिलिटी निकालो और ओल्ड वर्किंग कैपिटल निकालो, और क्या कहता है हमसे, एंड आफ्टर द पेमेंट ऑफ, अच्छा देखिए, और कहता है न्यू करंट लायबिलिटी निकालो आप और न्यू वर्किंग कैपिटल निकालो, वर्किंग कैपिटल निकालो। तो हमें चार चीजें निकालनी है, मतलब बेसिकली हमें दो चीजें निकालनी है, वो उनके दो पार्ट बन गए हैं कि हमें करंट लायबिलिटी निकालनी है और हमें वर्किंग कैपिटल निकालनी है, न्यू और ओल्ड, तो चार बन जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे ये, अब क्या बताओ क्वेश्चन में आपके पास ओल्ड, आपके पास ओल्ड ओल्ड करंट लायबिलिटी गिवन है, गिवन तो नहीं है, वो तो हमें निकालनी है, तो उसको मैं एक्स मान लूं, मैंने एक्स मान लिया। अब जो क्वेश्चन में हमें 5 लाख की करंट एसेट गिवन है, जो मैं 5 लाख की करंट एसेट गिवन है, देखो ये तो ओल्ड है ना, हेड बोला है उसने, तो ओल्ड करंट एसेट मुझे क्वेश्चन में गिवन है, तो मैं क्या करूंगा क्वेश्चन में, मैं लिखूंगा लेट, क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने बोला लेट लेट एक्स बी द टोटल करंट लायबिलिटीज बिफोर बिफोर दी पेमेंट, बिफोर दी पेमेंट मीन्स पेमेंट से पहले मेरे पास एक्स करंट लायबिलिटी होंगी, ये चीज क्लियर है। अब ये देखो जरा ध्यान से, मेरे पास करंट एसेट है मेरे पास 5 लाख की बिफोर दी पेमेंट, और मेरे पास करंट लायबिलिटी है एक्स, ये मेरे पास है बिफोर दी पेमेंट, बिफोर दी पेमेंट। अच्छा जी, अब मेरी रेशियो क्या होगी, अब मेरी रेशियो होगी, करंट रेशियो होगी मेरी बिफोर दी पेमेंट कितनी, 5 लाख अपॉन एक्स, और मेरी वर्किंग कैपिटल क्या होगी, मेरी वर्किंग कैपिटल होगी 5 लाख माइनस एक्स। फॉर्मूला क्या होता है, आप फॉर्मूला लिख देना यहाँ पर, सी ए डिवाइडेड बाई सी एल इज इक्वल टू करंट रेशियो, यहाँ लिखोगे वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू सी ए माइनस सी एल, ये चीज क्लियर है यहाँ तक, इतना मैंने फिल कर लिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि आपने क्या किया, आपने 1 लाख की लायबिलिटी पे की है, तो इस हिसाब से मेरी जो न्यू मेरी करंट एसेट्स होगी, न्यू करंट एसेट्स और मेरी न्यू करंट लायबिलिटी वो निकालते हैं, देखो क्या होंगी, मेरे पास 5 लाख की मेरे पास करंट एसेट थी, मैंने 1 लाख की मैंने पेमेंट कर दी, तो 1 लाख जब मैं पेमेंट करूंगा तो एसेट मेरी क्या होगी, कम हो जाएंगी। अब मेरी न्यू एसेट कितनी हो गई, 4 लाख की मेरी क्या हो गई, करंट एसेट हो गई। अच्छा मेरे पास एक्स, मेरे पास ओल्ड करंट लायबिलिटी थी, मेरे पास थी, मैंने एक की मैंने पेमेंट कर दी, अब मेरी नई करंट मेरी करंट लायबिलिटी कितनी जाएंगी, हो जाएंगी एक्स माइनस 1 लाख। अच्छा जी, तो करंट एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, तो ये हो जाएंगी आपके पास 4 लाख डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। अब देखो नई रेशियो क्वेश्चन में, जो न्यू रेशियो क्या क्वेश्चन में मुझे गिवन है, हाँ जी गिवन है 2:1, तो यहाँ मैं लिखूंगा 2:1, क्योंकि बीकेएम लिखा है ना, देखो लिखा है कि द करंट रेशियो बीकेएम, यानी कि रेशियो चेंज हो गई है, तो यानी कि नई रेशियो गिवन है ये, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2:1 लिख दिया मैंने। अब सेम चीज देखो, ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जाएगा 2 अपॉन x माइनस 100 हो जाएगा, और ये हो गया आपका 1 into 4 lakh, तो ये आपका आंसर आ गया 2x माइनस 2 lakh इज इक्वल टू 4 lakh, आपका आंसर निकल के आ गया ये, तो 2x इज इक्वल टू 4 lakh plus 4 lakh plus 2 lakh, तो आपका 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 6 lakh, तो x वैल्यू कितनी होगी आपके पास, x वैल्यू आ गई 3 lakh, कितनी आ गई 3 lakh, यानी कि जो आपकी ओल्ड करंट लायबिलिटी है, जो आपकी ओल्ड करंट लायबिलिटी की वैल्यू कितनी आ गई 6 lakh आ गई आपकी। अब देखो क्वेश्चन, और क्वेश्चन में क्या बोला था आपसे, क्वेश्चन में कहा था कि आप करंट लायबिलिटी निकालो बिफोर दी पेमेंट, यानी कि ओल्ड निकालो बिफोर दी पेमेंट बोला था आपसे, और एक उसने बोला है कि आप निकालो आफ्टर दी पेमेंट, क्या निकालो आप, आफ्टर दी पेमेंट निकालो आप, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो बिफोर दी पेमेंट आपकी करंट लायबिलिटी क्या आती है आपकी, एक्स थी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6 lakh, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो मेरी बिफोर दी पेमेंट करंट लायबिलिटी कितनी हो गई मेरी 6 lakh हो गई। और क्वेश्चन में क्या बोला था कि वर्किंग कैपिटल निकालो आप, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है आपका सी ए माइनस सी एल, तो सी ए मेरे पास थी 5 lakh, ठीक है, और एक्स वैल्यू कितनी आई एक बार चेक कर लेता हूँ, एक्स वैल्यू मेरी सॉरी 3 lakh निकली एक्स वैल्यू मेरी, ठीक है, ये देखो मेरी एक्स वैल्यू आ रही है 3 lakh, 3 lakh है, तो यहाँ पर ना 6 lakh नहीं है ये, इसको मैं 3 lakh कर देता हूँ, इसको भी मैं 3 lakh कर देता हूँ, ठीक है, तो माइनस 3 lakh आ गया, तो x की वैल्यू वर्किंग कैपिटल कितनी आ गई आपके पास, वर्किंग कैपिटल आपकी आ गई 2 lakh की, वर्किंग कैपिटल आपकी हो गई, ठीक है, ये आपकी करंट लायबिलिटी और ये आपकी वर्किंग कैपिटल। अब आ जाते हैं आफ्टर पेमेंट पे, तो जो करंट लायबिलिटी आपकी आफ्टर पेमेंट थी वो देखो क्या थी आपकी, ये थी आपकी आफ्टर पेमेंट
देखो आफ्टर पेमेंट आपकी थी एक्स माइनस वन लैख, तो यहाँ पर आ जाओ जरा, एक्स माइनस वन लैख, तो एक्स एक्स वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस वन लैख। अब देखो एक्स की वैल्यू कितनी निकाल लिया आपने, एक्स वैल्यू निकाल लिया आपने थ्री लैख, तो थ्री लैख माइनस वन लैख आपने किया, तो एक्स की वैल्यू करंट लाइबिलिटी कितनी हो गई आपकी आफ्टर द पेमेंट, ये हो गई आपकी टू लैख की। अब निकालते हैं हम अपनी वर्किंग कैपिटल निकालेंगे, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है आपका करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। अब देखो आपको ना ये भी आफ्टर पेमेंट होगी, ये भी आपकी आफ्टर पेमेंट है और ये भी आपके आफ्टर पेमेंट निकल के आपके पास आएगा। अब ये तो आपने निकाल दिया ऊपर, कितना निकाला आपने टू लैख निकाला है आपने। अब आपको करंट एसेट भी निकालनी पड़ेगी आफ्टर पेमेंट, तो एक काम करो चेक करो कि आफ्टर पेमेंट आपकी कितनी है, तो आफ्टर पेमेंट आपकी जो करंट एसेट कितनी है फोर लैख की है, तो यहाँ लिखोगे आप फोर लैख, क्या लिखोगे आप यहाँ पर फोर लैख, तो आंसर आपका कितना आ गया टू लैख, आपका आंसर आ गया टू लैख, क्या आ गया आपका आंसर निकल के आ गया। इनको मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, तो ये देखो आपकी करंट लाइबिलिटी होंगी बिफोर पेमेंट कितनी थ्री लैख, वर्किंग कैपिटल होगी आपकी टू लैख, और आफ्टर पेमेंट आपकी करंट लाइबिलिटी होगी टू लैख की, और वर्किंग कैपिटल क्या होगी आपकी टू लैख की होगी। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर कितना है आपका, ये देखो बिफोर थ्री लैख और टू लैख चेक कर लेते हैं जरा, थ्री लैख और टू लैख, अच्छा जी आफ्टर देखते हैं जरा आफ्टर में कितना क्या आंसर है, आफ्टर में टू लैख और टू लैख, देखो टू लैख और टू लैख, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही था, आपके आंसर मैच करे हैं। अब आप लास्ट की जो क्वेश्चन आपके है ना 11th 12th, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th 11th और 12th, देखो 10th और 11th सेम क्वेश्चन है और 12th अलग क्वेश्चन है, तो ये दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, दो क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि 10th और 11th एक टाइप के क्वेश्चन हो गए और 12th अलग टाइप के क्वेश्चन हो गया, तो दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को दो बार प्लीज कर लेना अच्छे से, और कोई भी आपका डाउट निकल के आता है तो प्लीज आप मुझे मेरा नंबर नोट कर लीजिए, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये 9716447518। अगर कोई डाउट आता है रिगार्डिंग दिस लेक्चर और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो करंट रेशो के अपनी बुक से है ना, टीएसए डीके से, आप किसी भी बुक से आप क्वेश्चन कर रहे हो आपके डाउट्स निकल के आपके आते हैं, तो आप मुझे इस लेक्चर इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नाम है अकेंदर दिवाकर, आप अपना डाउट मुझे से भेज के मैं आपका आंसर जो है वो सॉल्व कर दूंगा, आपको बता दूंगा कि कैसे करना है, कैसे आपकी जो क्वेरी है वो सॉल्व हो जाएगी, आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। आपने मुझे सुना उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही।